ए जून, ए खौफनाक जून, तेरा आना मुझे किस कदर तकलीफ दे मालूम हो रहा है। तेरे आन पहुंचने की फिक्रमंदी ने मेरी नींदों का करार छीन रखा था। बिलाखिर तू आ ही गया। तेरे आने के भयानक ख्याल और तेरे आ जाने के अजियतनाक एहसास ने मुझे जीते जी मार दिया है, क्योंकि तेरे आने के साथ मेरा अपने फन की जुस्तजू को तर्क कर देने का वादा जुड़ा हुआ है। जब एक फनकार से उसके फन की जुस्तजू छिन जाए तो वो अंदर ही अंदर जीते जी मर जाता है। ये करारदाद उसके दिल ने दस्तखत कर दी होती है कि वो अपने फन का है और उसका फन उसकी पहचान है। हेलो शाहरुख। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम बेटे। शाहरुख बेटे, जून आ गया है। जी मम्मी जी। तुझे अपना वादा याद है ना? जी। बस छोड़ दे अपनी ये लगन बेटा, ये तेरे लिए बंद गली साबित हुई है। बस अब वापस आ जा, मैं अब और वक्त नहीं दे सकती। बस अब वापस आ जा, यहाँ बड़ी जरूरत है तेरी। जी। क्या है ये एहसास? क्या मेरी जुस्तजू, मेरी रियाजत सब खत्म हो जाएगी? क्या है ये? अब तो मेरी रूह के हौसले को सजाए मौत सुना दी गई है। अब तो मुझे टूट जाना चाहिए। ये इज़्तिराब क्यों है? अब तो इस आग को बुझ जाना चाहिए। दुनिया चलती रही और मैं खड़ा रहा। मेरी रफ्तार बहुत कम थी, लेकिन क्या रफ्तार का कम होना इस हकीकत को रद्द कर देता है कि मुसाफिर की मंजिल मकसूद क्या है? क्यों मेरे ख्वाबों का इस्तेहसाल जरूरी है? क्यों मेरी मंजिल की जानिब मेरे तयशुदा सफर को रायगां किया जा रहा है? फनकार के अंदर मौजूद कश्मकश उसे यकसर उकसाती है कि वो अपनी रूह को किसी जरिए से माकूस करे, अपने तसव्वुर और अपने एहसासात को जलते हुए अंगारे की रोशनी की तरह दुनिया के आगे पेश कर और अपने माध्यम और अपने फन के जरिए अपने इस तराब को तस्कीन दे। लेकिन शायद अब इस तराब को कोई तस्कीन नहीं मिलेगी। इस जुस्तजू को छोड़ना मेरे बस में है, लेकिन ये लगन मुझे कैसे जीने देगी? यही एक फनकार की फितरत है। हम फितरी तौर पर ही तालिबे तवज्जो हुआ करते हैं। मरकज़े निगाह रहने की तलब हमारी तबीयत सानी होती है। एक फनकार के अंदर ये बेचैन तहरीक लगातार जारी रहती है कि वो अपना कलेजा हथेली पे रखकर दुनिया के आगे पेश कर दे कि देखो
ये मेरे एहसास, मेरा जज्बा, मेरी रूह। अपने फन की जुस्तजू को तर्क करना ऐसा मालूम हो रहा है जैसे अपने कलेजे को चीर कर कूड़ादान में फेंकने जा रहा हूं। काश के कोई नातवां दीवाना या कोई बेघर फकीर ही उस कूड़ादान को छांटता हुआ मेरी रूह के दरीचों की बुझती हुई रोशनी और बढ़ते हुए अंधेरे से आशना हो जाए। मेरे फन की खारिज होती रूह को कोई बेकदर ही सही, इस नौरसीदा नकाश में कोई मानी मिल जाए, कोई फर्दे वाहिद ही सही, मेरा फन किसी के दिल को छू ले कि मेरी ये रियाजत, ये सफर, ये जुस्तजू बेमानी और रायगान आ जाए। अब तो बस जी है कि कोई शोर ना हो, जो होना है चुपके से हो जाए। अब तो बस जी है लहरों में कहीं डूब जाने को, जो बहता है उस बहाव में बह जाने को। घुल जाए मेरा दर्द, मेरा कर्म, मेरा नुकसान, जो कहते हैं उसमें खामोशी से हंस जाने। वक्त है कूच का, मेरी मजबूर आरजुओं की अधूरी पुकारें, किसी सोच का जो सोचने में जी जल जाए। चलना होगा ऐसे जीने पर जो बिलाखिर डूब जाता है। सो चलता हूं दोस्तों, और कुछ ना सही अलविदा ही से। सो आई गेस आई मस्ट से नाउ, आई मस्ट गो नाउ, गुड बाय एवरीबॉडी।